हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 8 नवंबर है और फ्राइडे है और एक्सपायरी हो गया है मार्केट में, और निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों जो है वो वीकनेस सिग्नल देता है। 12,000 क्रॉस करके वो ऊपर नहीं जा रहा है, रिलायंस 1485 को क्रॉस करके नीचे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक वीक सिग्नल है, और जो रिलायंस जहाँ 1470 क्रॉस नहीं कर पा रहा है वापस नीचे की ओर गया। निफ्टी भी 12,000 ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, 12,103 गया, फिर वहाँ से नीचे किया। हो सकता है दोनों में एक बेरिश सिग्नल बन रहा है, ट्रेंड है, और मार्केट भी एक बार बहुत अच्छा रनअप कर चुका है, तो हो सकता है दोनों आपको एक बार नीचे की ओर जाए। अगर 1400 का लेवल रिलायंस तोड़ता है तो आपको 1180 का लेवल देखने को मिल सकता है। लास्ट प्रीवियस उसमें 1230 का था, अभी 1180 भी हो सकता है, ये टेस्ट कर लें। उसी तरह निफ्टी अगर 11700 तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको वापस 11000 का लेवल आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो आप दोनों पे वॉचलिस्ट रखें, दोनों पे कॉशियस पोजीशन रखें, और एक बार बेरिश सिग्नल हो सकता है दोनों में जनरेट होते हुए आपको दिखे। रिलायंस आज 8 तारीख को 1445 पे क्लोज दिया है एनएससी पे, 13 पॉइंट नीचे होकर के। और अगर इसकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज की करें तो जहां इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज 1448.50 बताता है, वहां पे 1445 पे क्लोज हुआ है, 3 रुपये डाउन की ओर क्लोज हुआ है, जो कि एक बेरिश सिग्नल भी शो करता है। इसका 52 वीक जो है 14.89 है, और जो आज का हाई था वो 1459 का था, जो इसकी डिलीवरी परसेंटेज आज की 56.27 है। आप अगर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री तो यहाँ पे एक रेड सिग्नल है, लोअर है, लोअर हैमर टाइप का है, और नीचे की ओर सिग्नल बना रहा है, लोअर बेरिश सिग्नल का सिग्नल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यही जब सिग्नल आपको देखेंगे, पहले भी एक बार बना है और वो यहाँ पे बना है, आपको डेट ये बना है 3 मई 2019 को, तो वहाँ से एक नीचे की ओर गया था और वापस ये यहाँ से क्रॉस करते हुए आपको 1100 का भी लेवल टच किया था। तो पहले 1174 और फिर यहाँ से 1229 और फिर यहाँ से जाकर के 1107 का लेवल टच किया था, लेकिन अभी हो सकता है कि वो आपको 1174-1180 के आसपास इस लेवल, क्योंकि रिसेंट जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे से जब अप गया था तो यहाँ से ये निकला था, तो पहला रेसिस्टेंस हो सकता है इसको, सपोर्ट हो सकता है इसको यहाँ पे 1174 पे मिल जाए, लेकिन 1417 का पहले ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि ये यहीं से लगभग 1400 के आसपास से ही क्रॉस किया था। तो 1400 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई बात नहीं, इसको खेलने दीजिए। लेकिन कमिंग डेज में जो डेरिवेटिव पे सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है बेरिश का, और जो डेरिवेटिव पे पोजीशन बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि 500 पे अच्छी खासी इसकी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है। आप देखेंगे तो 1500 पे आज ही 1,32,000 और 13 लाख का है, और आपको 1460 पे ही 1,22,960 है, तो आप कहीं ना कहीं ऊपर की ओर अच्छी खासी पोजीशन बनाई जा रही है। 1560 से अच्छी खासी कॉल राइटिंग की जा रही है, वहीं पे पुट में देखेंगे तो हर लेवल पे अनवाइंडिंग हो रही है इनफैक्ट, और कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग ऐसा सिग्नल नहीं है जहाँ पे सपोर्ट है इसको। 1,1400 पे है 6,19,000 का, जो कमिंग डेज में टूटता हुआ दिख सकता है आपको। नीचे देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लगभग आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है। तो 1440 पे है 8,68,000 का, अगर ये इसको टूटता है तो दूसरा आपको 1440 के पास जो सपोर्ट है वो 1400 का है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1400 के सपोर्ट पे आप रहे, अगर ये टूटता है तो आपको नीचे जो सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं आपको 1200 के पास आसपास, इनफैक्ट कोई सपोर्ट ऐसा है नहीं, सीधा 1100 पे सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो नीचे एक अच्छा खासा, यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं, 28,000, 34,000, 13,000, 5,000, 2,000, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेरिश सिग्नल देते हुए नीचे की ओर जा सकता है। अगर डेरिवेटिव में इसके डिलीवरी पोजीशन देखें तो जहाँ पहले 32, 25, 53, 54, 55, 55, 56 बढ़ गया था, अब यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन 44% है, मीन्स अब ट्रेडिंग पोजीशन ज़्यादा बन रही है, डिलीवरी पोजीशन कम बन रही है। आज देखेंगे टोटल जो आज 8 नवंबर है, जो ट्रेडेड इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 54,94,844, वहाँ पर सिर्फ 24 लाख की डिलीवरी हुई, 44% की डिलीवरी हुई है, जो कि पहले 56%, 55% की डिलीवरी हो रही थी। अब यहाँ पे भी आपको जैसा दिखा है 1448 की जगह 1445, इनफैक्ट कल से ही, कल जो एक अपसाइड था वो वॉल्यूम के साथ था, अब जो है डाउनसाइड यहाँ से चालू हो सकता है। हो सकता है ट्रेडिंग क्वांटिटी आपको बढ़ते हुए दिखे और डिलीवरी क्वांटिटी आपको बढ़ते हुए आगे दिखे। सिमिलरली निफ्टी 50 में भी देखेंगे तो अगर ये यहाँ पे 11700 का लेवल जो 23 पॉइंट पे, अगर इसको तोड़ता है ये वापस आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है, और कहीं ना कहीं 11210 पे सपोर्ट लेगा, जो कि चांसेस है तोड़ भी दे तो 11000 पे आके सपोर्ट आपको लेते हुए दिख सकता है।
उसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री में भी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री में 23 पॉइंट जो है 1395 है, 1395.96। अगर इसको तोड़ता है जो कि 1400 वहाँ पे भी आ रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको जाते हुए 1200 की ओर, 1190 की ओर जाता हुआ आपको 78.6 पॉइंट रिट्रेशल है। इसका जो प्रीवियस रिट्रेशल भी देखेंगे तो 78% पे जाकर के ये लगभग स्टैंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 1179 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। और सबसे बड़ी जो है डेरिवेटिव में जो पोजीशन बन रही है, आप देखेंगे कॉल साइड में इसको राइट किया जा रहा है, अच्छा खासा राइट किया जा रहा है, और ये 1500 भी क्रॉस करने वाला नहीं है। नीचे दो सपोर्ट लेवल है जिसके टूटने से ही या आराम से एक ही दिन में आपको 150-200 पॉइंट गिरते हुए नीचे देखिएगा। 1400 लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 6,19,000 का 4,500 आज बना है, तो बहुत वीक सिग्नल बना है। तो मुझे लगता है कि कमिंग डेज में आपको निफ्टी ये रिलायंस आपको यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट होते हुए दिख सकता है, और 1100 का लेवल, 1150 का लेवल आपको देखने को रिलायंस में मिल सकता है। और अगर ये टूटता है तो निफ्टी में हाईली इंडेक्स है ये, तो ये निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं निफ्टी भी आपको 11700 अगर तोड़ता है तो आपको ये 11200 के आसपास पहला सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्री पे वॉचलिस्ट रखें, मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कमिंग डेज में अगर आपको ये 1100 1150 या 1200 के लेवल पर मिलता है तो फ्यूचर के लिए ये अच्छा होगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देगा आपको। तो रिलायंस को 1200 के लेवल पर आप चाहें तो इसके अपने पोर्टफोलियो में एक बाय कर सकते हैं, रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 1500 पहला टारगेट, और वहां से अगर जाता है तो 1750, तो 1500-1750 के टारगेट के लिए आप चाहें तो आगे इसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये 1200 पहला जाएगा। तो रिलायंस में एक वीकनेस दिख रहा है, अब बेरिश सिग्नल है। मेरे कहने से कोई भी पोजिशन मार्केट में नहीं बना, आपको बनाना है तो आप अपनी स्टडी पहले कर लें। तो रिलायंस एक वीक सिग्नल जनरेट कर रहा है जो निफ्टी को हिट करेगा, हो सकता है अच्छा खासा निफ्टी आपको नीचे जाए, और बैंक निफ्टी अपोजिट साइड में ऊपर की ओर निकले, निफ्टी नीचे, हो सकता है कमिंग डेज में ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए आपको दिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।